आज का मेरा वीडियो है कि हम किस तरह से कोहा में मल्टीपल लैंग्वेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको इंग्लिश दिखाई पड़ रही है, पर हम इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी शो कर सकते हैं। जैसे कैटलॉगिंग में आप इंग्लिश दिखाई पड़ रही है, हम आप इसको हिंदी में करके देखेंगे कि हम कैसे हिंदी में कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जाकर गूगल में, तो आप गूगल में जाएं और यहाँ पर लिखें आप कि कोहा इंस्टॉल एडिशनल लैंग्वेजेस। तो इस तरह से आप दिखाई पड़ेगा, कोहा इंस्टॉल एडिशनल लैंग्वेज, इसको आप क्लिक करें। ये एक साइट है कोहा की और यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल लैंग्वेजेस फॉर ओपैक एंड इंट्रानेट, इसको आप क्लिक कर दें। फिर आप इसके अंदर जब आप जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें कमांड्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए आप पैकेजेस, ट्रांसलेशंस जो है हमें किस तरह से करनी है इंस्टॉलेशन। इसमें आपको देखेंगे कि ओल्डर वर्जन भी आपको मिल जाएगा, करंट वर्जन मिल जाएगा। ये कमांड्स आपको यहाँ पर देने हैं और इस तरह से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करंट वर्जन भी अगर यूज़ कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये कमांड देना है, अगर आप गिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये देना है। चलिए हम करंट वर्जन को लेके चलते हैं और ये कमांड्स की लिस्ट है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे। सबसे पहला है कि लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट के लिए सूडो टर्मिनल को ओपन कर लीजिए और आप उसमें रूट में चले जाइए। सबसे पहले वही सूडो su और पासवर्ड का नाम देंगे और फिर हम वहाँ पर ये जैसे मैंने अवेलेबल लैंग्वेजेस देखने के लिए सेकंड नंबर का कमांड मैंने लिया है। सबसे पहले मैं रूट में जाऊँगा सूडो su करके और पासवर्ड दूंगा। जब आप रूट का पासवर्ड देंगे यहाँ पर आपको कमांड देना है, पेस्ट कर दीजिए अवेलेबल लैंग्वेजेस के लिए और ये आपको लिस्ट आ गई अवेलेबल लैंग्वेजेस की। ये आपको कोड्स दिखाई दे रहे हैं इन लैंग्वेजेस के जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज HI हिंदी के लिए है, HI हिंदी का कोड है। और लैंग्वेजेस के जो आप चाहते हैं वो आप कोड यहाँ से उठा सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया क्योंकि मैं आपको हिंदी में ही मल्टीपल लैंग्वेज दिखाना चाहता हूँ। फिर मैं कमांड लूँगा कि लैंग्वेज कोड को हम कैसे, कॉपी कर लिया मैंने इस कमांड को, ट्रांसलेट इंस्टॉल लैंग्वेज कोड। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इंस्टॉल लैंग्वेज जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसकी जगह हम कोड को लिख देंगे, यानी कि HI लिख दूंगा मैं, इंस्टॉल के बाद HI, ये HI इज़ द कोड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। फिर मैं एंटर कर दूंगा। ये आपको कुछ वार्निंग दिखाई पड़ेंगी, आप इसको इग्नोर कर दें। ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वर्क कर रहा है। और इसके बाद जब ये ब्लिंक ख़त्म हो जाएगा तब आप रूट पे आ जाएंगे, तब आप ये सोचिएगा कि आप ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो इस तरह से हमें कमांड देना, ये आ गए हम रूट में, इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज इसमें एडिशनल लैंग्वेज मल्टीपल इंस्टॉल हो चुकी है। अब आइए कोहा स्टाफ क्लाइंट में, यहाँ पर कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक कीजिए और फिर आप ग्लोबल सिस्टम प्रिफ्रेंस के अंदर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर आप आ जाइए। ये आपको दिखाई पड़ेगा L101, यहाँ पर आप क्लिक करें और फिर आप यहाँ देखिए कि आपको इंग्लिश जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी दिखाई पड़ रही है। आप स्टाफ इंटरफेस और ओपैक के लिए आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी को, अगर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी देखना चाहते हैं। और लैंग्वेज भी आप इंस्टॉल कर सकते थे। तो स्टाफ क्लाइंट के लिए मैंने हिंदी कर लिया, ओपैक लैंग्वेज के लिए मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे आप ओपेक लैंग्वेज डिस्प्ले में आप जाकर डोंट अलाउ, अगर डिफ़ॉल्ट है आप इसको अलाउ कर दीजिए क्योंकि आप ओपेक में भी हिंदी देखना चाहते हैं, और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पर कोहा में आप दोबारा जाइए और यहाँ आप नीचे जब आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दो लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी दिखाई पड़ रही है। आप हिंदी में क्लिक करिए तो आपको ये जो आपके मॉड्यूल्स हैं इनकी लैंग्वेज सब हिंदी में हो जाएगी, बट जो भी आप लैंग्वेज लेंगे उसमें हो जाएगी। मैंने हिंदी ली इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है। ये देखिए ये ट्रांसलेशन हो चुकी है हिंदी में। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में इसको स्विच ओवर करना तो आप दोबारा आप इसमें इंग्लिश में क्लिक कर दीजिए, फिर इंग्लिश में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने दो लैंग्वेज को, मल्टीपल लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लिया। अब सवाल आता है आप रिमूव भी करना चाह हो सकता है आप रिमूव करना चाहते हो, तो रिमूव करने के लिए ये कमांड है कोहा ट्रांसलेट और रिमूव। वहाँ पर इंस्टॉल था, यहाँ पर रिमूव हुए और लैंग्वेज कोड आगे देना है। तो आप इसको कॉपी कीजिए और वहीं टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
तो आपने जो लैंग्वेज कोड है, मैं फिर यहीं पर एच आई यानी कि हिंदी के लिए रिमूव के आगे लिखूंगा, वहां इंस्टॉल के आगे लिखा था या रिमूव के आगे, और एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद जैसे ये रूट में आएगा, इसका मतलब वहां से अब ये हिंदी लैंग्वेज रिमूव हो चुकी है। अब आप दोबारा स्टाफ क्लाइंट में जाइए और वहां पर आप नीचे भी देखेंगे और वहां कोआ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइए, तो आप देखेंगे कि अब ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंसेस में अब जब आप जब लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको वहां पर अब आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं दिखाई पड़ेगी, ओनली इंग्लिश, जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज दिखाई पड़ रही है इंग्लिश। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीपल लैंग्वेजेस हम कोहा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, कि आप देखिए ये डिफॉल्ट लैंग्वेजेस दिखाई पड़ रही हैं और हिंदी यहाँ से रिमूव हो चुका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कि हम किस तरीके से हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं।